Iyer is understood to have ticked most boxes in his first practice game earlier this week, where he fielded for entire 50 overs and batted for 38 without much discomfort. The match was closely monitored by NCA chief VVS Lakshman and batting coach Rishikesh Kanitkar. Rahul, who didn't feature in the game, is expected to line up with Iyer. मतलब लगातार प्रैक्टिस मैचेस हो रहे हैं, ये इसमें कुछ नया नहीं है वैसे. कल भी प्रैक्टिस इतने दिन से हम यही सुन रहे हैं और हमने पहले भी देखा था कि श्रेयस अय्यर और केएल राहुल बैटिंग कर रहे हैं साथ में, है ना. अब केएल अय्यर के ऊपर और आया कि भैया इन्होंने आराम से 50 ओवर खेल लिए और 38 ओवर इन्होंने नहीं 50 ओवर फील्डिंग भी कर ली, तो ऐसा नहीं लग रहा कि इनकी कोई फिटनेस की इतनी प्रॉब्लम है. हाँ, मैच में फॉर्म में वापस आना इंटरनेशनल में और यहाँ पे एनसीए में बहुत बड़ा फर्क है. लेकिन कम से कम पॉजिटिव साइन ये है कि कम से कम ये बैटिंग कर रहे हैं, है ना. इसको ब्रेकिंग डाल दो, टाइटल में भी डाल दो ब्रेकिंग ऑन अय्यर एंड राहुल, ठीक है. तो कम से कम श्रेयस अय्यर पे और केएल राहुल पे ये है कि भाई आपने एक उम्मीद जगाई है कि दोनों की दोनों खेल सकते हैं, ठीक है ना. जहां तक प्रसिद्ध कृष्णा की बात है, आयरलैंड में खेल रहे हैं, हो सकता है प्रसिद्ध कृष्णा भी आपको नजर आए, स्पेशली बिकॉज जयदेव उनादकट का तो काम हो चुका, काउंटी जा रहे हैं, मतलब कि वो तो होंगे नहीं, है ना. बाकी जो है अभी भी वही टीम मैं बोलूंगा जो ईशान किशन वगैरह है, अगर ये पिक हो भी जाते हैं तो कोई गारंटी नहीं है भाई. लेकिन क्या ये साइंस है, क्योंकि देखो 21 तारीख को आपकी मीटिंग होनी है और उस मीटिंग में आपके जो शिव सुंदर दास हैं वो ज्वाइन करने वाले हैं जो आयरलैंड में है अभी, और राहुल द्रविड़ को उस मीटिंग के लिए बुलाया गया है रोहित शर्मा के साथ, और हेड कोच को हम आमतौर पर देखते नहीं है कि एशिया कप या वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट के सिलेक्शन में वो मौजूद रहे वहां पर. तो अभी जिस तरीके से बात हो रही है अय्यर के बारे में, क्योंकि केएल राहुल को सबने फिट बता ही दिया और यहाँ तक रिपोर्ट्स आई नहीं है केएल राहुल तो एशिया कप में होंगे, तो जो मैं बार बार आपको बीच बीच में बोलता हूँ कहीं ऐसा ना हो कि अय्यर भी वापस आया है, तो क्या साइंस यही दिख रहे हैं ये जो ब्रेकिंग है अभी जो खबर आ रही है कि 50 ओवर उन्होंने फील्डिंग की है 38 ओवर उन्होंने खेला, तो क्या साइंस ये है कि श्रेयस अय्यर आपके लिए एशिया कप में वापसी कर रहे हैं? डिपेंड जो हम बात कर रहे हैं कि जो हम बात कर रहे हैं जी ये हो जाएगा तो लगा, ये तो डिपेंड उस पे करता है कि शायद अय्यर जो टीम है वो क्या रिपोर्ट बना कर देती है, पहले तो रिपोर्ट जाएगा वहां पे. अब यहां पर सीधे लिखा हुआ है ये तो बिल्कुल. और कल जो है संडे को आपका एक और प्रैक्टिस मैच है, परसों आपकी मंडे को जो है वो होने वाली है, यहाँ पर मीटिंग होने वाली है दिल्ली में, उससे पहले एक और प्रैक्टिस मैच है, तो हो सकता है कि जब यहाँ पर इन्होंने किसी डिस्कम्फर्ट के साथ बैटिंग की है श्रेयस अय्यर ने, तो भाई कल भी वो उसी तरीके से बैटिंग करेंगे, हो सकता है कि और प्रोग्रेस हुई हो. तो जो संकेत हैं जो पॉजिटिव साइंस है मुझे तो लग रहा है शायद आ रहे हैं वापस, हो सकता है कि श्रेयस अय्यर जो है आपको एशिया कप के स्क्वाड में नजर आ जाए. देखो भैया सारी स्पेकुलेशन है, आपको बता दें ये ब्रेकिंग आई है इसीलिए आपको दे रहे कि ESPN एक क्रिक इन्फो ने एक रिपोर्ट करी है जहां पे लिखा गया, फुल स्क्रीन पे आ जाइए, मैं वैसे ही बता दूंगा, आ जाइए फुल स्क्रीन पे आ जाइए. ESPN क्रिक इन्फो ने लिखा है, नीचे लिख दीजिए ब्रेकिंग, अय्यर लाइकली फिट क्वेश्चन मार्क, अय्यर इज फिट फॉर एशिया कप क्वेश्चन मार्क. अब बड़ा ज्यादा यहां पे शोर और गुल हो रहा था कि केएल राहुल का क्या होगा, श्रेयस अय्यर का क्या होगा, जसप्रीत बुमराह का क्या होगा. जसप्रीत बुमराह तो आयरलैंड में देख लिए, वो तो साक्षात खेल रहे हैं, कप्तानी भी करी, पहला मैच चलो दो रन से जीत भी गए डकवर्थ लुईस से. श्रेयस अय्यर की जहां तक बात है उनपे हो रहा था कि शायद नहीं आ पाएंगे, शायद बिल्कुल ही मतलब ही नहीं है, है ना. अब ये एक दिन पहले उनका नाम आना किसी रिपोर्ट में कि जी एनसीए में खेल रहे हैं और एनसीए में जी वहां पे 38 ओवर उन्होंने बैटिंग कर ली, 50 ओवर उन्होंने फील्डिंग कर ली, तो इसका मतलब यह है कि लाइकली वो फिट हैं और आपको एशिया कप के, इसीलिए एशिया कप का स्क्वाड इतनी देर करते जा रहे हैं, ये इतनी देर तक डिले करते जा रहे हैं कि पहले था कि जी पहले आ जाएगा, अब है कि जी 21 तारीख को आएगा. अगर अभी भी उन्हें शायद भरोसा नहीं हो सकता है, एक दो दिन और डिले कर दें, बट बात यही है कि वो अब संडे को भी, मतलब कि कल, आज है सैटरडे, कल भी एनसीए में प्रैक्टिस मैच होगा जहां पे आज तो केएल राहुल नहीं खेलेगा, केएल राहुल भी खेलेंगे, है ना. तो अगर केएल राहुल फिट हैं, अगर श्रेयस अय्यर फिट हैं, तो श्रेयस अय्यर 4 नंबर पे, केएल राहुल 5 नंबर पे, ईशान किशन बाहर, सूर्यकुमार यादव भी बाहर. अगर उनको खिलाने में अगर मंजूरी देते हैं रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़, देखो ये भी बहुत बड़ा रिस्क है, सिर्फ फिट होने से काम नहीं चलता कि आपने जी आए हैं यहां 38 ओवर आपने बैटिंग कर ली, 50 ओवर फील्डिंग कर ली, तो भैया इंटरनेशनल खिला दो. सीधा मैच कौन सा है, कोई मैच आपका जिम्बाब्वे या बरमूडा से नहीं है, सीधा पाकिस्तान के अगेंस्ट है पहला मैच, अब सीधा पाकिस्तान से मैच है 2 सितंबर को, मैच प्रैक्टिस कोई है नहीं आपके पास, गेम टाइम जिसको बोलते हैं, तो ये भी रिस्क है. सूर्य कुमार यादव ईशान किशन को खिलाना तो रिस्क है ही है, ईशान किशन ने चलो ओपनिंग में बढ़िया किया है, बट अगर उसको मिडिल ऑर्डर में डालोगे कैसा खेलेगा. अभी सूर्य कुमार यादव को तुम बोल रहे हो कि भैया उसको एज अ फिनिशर खिला देंगे, अभी तक तो ओडीआई में उन्होंने कुछ नहीं करा, ठीक है ना.
तो इसीलिए आप इतना वेट कर रहे हो बिकॉज जिनको आपने खिलाया वो तो सुपर फ्लॉप हो चुके हैं। तो ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव का अब भविष्य इसी पे डिपेंड करता है कि क्या ये रिस्क लेंगे विद श्रेयस अय्यर एंड केएल राहुल। श्रेयस चार पे आपके टॉप थ्री बैटर में है पिछले दो साल से, वनडे में आपके तीन नंबर वन के अगर बैटर देखो ना, मतलब टॉप थ्री में कौन आते हैं, वो है आपके शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर और विराट कोहली। श्रेयस अय्यर की भी 45 के आसपास की एवरेज है, शुभमन की तो खैर बहुत आगे ही है और विराट कोहली की 37 के आसपास है, बट फिर भी वो टॉप थ्री में आ रहे हैं, ठीक है ना। तो श्रेयस अय्यर तो डेफिनेटली आपको चाहिए चाहिए अगर वो फिट है तो, मगर क्या आप सीधा पाकिस्तान के अगेंस्ट खिला के रिस्क लेना चाहते हैं? बट आई थिंक केएल राहुल से क्या आप कीपिंग करा के रिस्क लेना चाहते हैं? लेकिन अगर इतना रुका जा रहा है इन दोनों के पीछे तो फिर तो सीधे सीधे बनता फिर खेलना। अगर आप ये सोचे ना कि अगर नहीं खिलाना था हमें तो पहले ही आपके पास प्लेयर्स थे, आप सीधे सीधे स्क्वाड आप अनाउंस बोल देते, आप स्क्वाड अनाउंस कर देते कि भाई ये प्लेयर्स हैं ये अवेलेबल नहीं होंगे। आप रुके ही इसलिए हो ताकि ये दोनों प्लेयर्स आ जाएं, और अगर ये दोनों प्लेयर्स आ जाते हैं तो फिर सीधे सीधे ये दोनों मुझे दिख रहा है कि प्लेइंग 11 में आपको। और दूसरा ये भी है कि जो भरोसा होता है आपको बाकी प्लेयरों से वो नहीं मिल पा रहा होगा इस समय पर, जो आप नंबर चार पे आपने जो इतनी ट्राई आउट करी, आपने सैमसन खिला दिया, आपने सूर्या खिला दिया, आपने कभी ईशान को बहुत पहले खिलाया, अभी तो खैर आप खिला ही नहीं रहे हो, तो जिन भी प्लेयरों को आपने खिलाया वो भरोसा नहीं दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक और चीज है इसमें जो उन्होंने दिया है कि रोहित जो है ना उनका भी बड़ा पार्टिसिपेशन इसमें बड़ा सिग्निफिकेंट है। सिलेक्टर्स बहुत जरूरी है ही है, लेकिन 5 सितंबर तक डेडलाइन है आईसीसी की वर्ल्ड कप के स्क्वाड को भी डालने के लिए। तो ये चाह रहे होंगे कि एशिया कप का स्क्वाड और वर्ल्ड कप का स्क्वाड एक ही हो। इसमें तो आपने डिले कर दिया, चलो बहुत उसको डिले नहीं कर पाओगे भाई। 2 सितंबर को इंडिया पाकिस्तान है, उसके बाद 5 सितंबर तक फाइनल आपको वर्ल्ड कप का स्क्वाड सबमिट करवाना है। अब वहां पर सबसे बड़ा रिस्क है, अगर 15 मेंबर का स्क्वाड सबमिट कराना है, ये आ गया आपको अब ब्रास टैक्स कि भाई अगर केएल और श्रेयस को रख लिया और वो फिट नहीं है तो क्या वर्ल्ड कप में खतरा मोल लोगे? एक महीना जो एशिया कप के बाद फिर आएगा, 15 दिन के बाद वो आ जाएगा वर्ल्ड कप, वो तो सबसे बड़ा टूर्नामेंट आपका इंडिया में, ठीक है। अगर वो फिट नहीं है, अगर सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, संजू सैमसन इन सबको रख लेते हो और इनको नहीं रखते, क्या आपको भरोसा है कि परफॉर्मेंस दे पाएंगे? यहां पर भैया बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि आप स्टैंड बाय प्लेयर तो रख सकते हो बोल रहे हैं वो, लेकिन जैसे रवि शास्त्री ने बोला था भाई 18-19 का स्क्वाड ले लो, नहीं आपको 15 का तो देना ही पड़ेगा ना स्क्वाड। 15 के स्क्वाड में क्या केएल राहुल श्रेयस अय्यर रखोगे? अभी ये डिसीजन वैसे अभी ही लेना पड़ेगा बिकॉज उसके बाद आपके पास टाइम नहीं होगा। जो आपने इसीलिए आप डिले कर रहे हो, जो आपने एशिया कप के लिए चूज कर लिया वर्ल्ड कप के लिए भी डन हो जाएगा। और इसमें एक पॉइंट ये भी इसमें लिखा हुआ है कि आप जो हम बात कर रहे थे कि एशिया कप के लिए आप देखोगे 17 मेंबर स्क्वाड या 18 मेंबर स्क्वाड, हो सकता है कि वो 15 मेंबर का ही स्क्वाड हो। हाँ। क्योंकि इसमें इस रिपोर्ट में ये भी लिखा हुआ है कि ये जो आप मेरी मीटिंग होनी है वहां पे ये तय होना है कि आप उन्हीं 15 खिलाड़ियों को चुनो जो मोस्ट लाइकली आप वर्ल्ड कप में भी लेकर जाना चाहते हो। तो ये जो 17 की बात हो रही है कि तिलक वर्मा को भी ऐड ऑन कर लिया जाएगा, इसको भी खिला लिया जाएगा, अब हो सकता है कि एशिया कप में भी हमें वो 15 ही खिलाड़ी नजर आए जो आप वर्ल्ड कप में लेकर जाओगे। ये भी एक पिक्चर वहां पर क्लियर। और ये तो अजीत अगरकर ने पहले ही, जो इससे पहले राहुल द्रविड़ का जो पार्टिसिपेशन आ रहा है इसमें सिलेक्शन में, वहां पर भी अजीत अगरकर ने यही बोला था कि हम 15 का ही सिलेक्शन करना चाहते हैं एशिया कप में, वो 17 क्योंकि देखो बाकी बांग्लादेश हो गया, आपका पाकिस्तान हो गया, इन्होंने 16-17 इस तरीके के प्लेयर्स का 16-17 मेंबर्स की स्क्वाड सिलेक्ट किए। लेकिन अजीत अगरकर का बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि जी आप 15 खिलाड़ी लेकर जाएं और वो 15 खिलाड़ी आपके बीच में ऑस्ट्रेलिया सीरीज भी वो खेलें और उसके बाद आपके जो है वो मतलब वही स्क्वाड आपका खेलता चला स्क्वाड एशिया कप में वहां पर बैलेंस बन जाए। अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा 21 तारीख को कि क्या श्रेयस अय्यर वाकई में फिट है, क्या केएल राहुल वाकई में फिट है। काफी बार ऐसे आर्टिकल इसलिए भी आते हैं किसी प्लेयर को पुश करने के लिए कि देखिए जी वो तो फिट है। अल्टीमेटली आज हुआ क्या, वीवीएस लक्ष्मण वहां पे पहुंचे हुए थे, उन्होंने पूरा का पूरा देखा कि इन्होंने किस तरीके से 38 ओवर बैटिंग करी, 50 ओवर फील्डिंग करी, लेकिन वो है एनसीए का मैच, वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच नहीं है जो होगा श्रीलंका में एशिया कप का या वर्ल्ड कप में हो जाए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अहमदाबाद में, है ना। वो लेवल ही अलग है, वो प्रेशर ही अलग है, वहां पे आपकी 100% फिटनेस और 100% मैच फिटनेस भी चाहिए आपको। गेम टाइम आपको चाहिए, आपको प्रैक्टिस चाहिए उससे पहले फील्ड के ऊपर मैच के अंदर। अगर बुमराह भी आयरलैंड में खेल रहे हैं, चाहे मतलब आयरलैंड के साथ खेल रहे हैं, चाहे आयरलैंड के साथ खेल रहे हैं वो, मगर इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट खेल रहे हैं। कल पड़े ना उनको छक्के और चौके, विकेट उन्होंने ली पहले 2 ओवर में, बट छक्का भी खाया चौका भी खाया,
तो वो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन फील होता है, है ना। तो यहां पर भी श्रेयस अय्यर के लिए, केएल राहुल के लिए एक तरीके से बहुत बड़ा रिस्क लेगी टीम इंडिया। यार लेने को दोनों चीज में ही रिस्क है, सूर्या को भी खिलाने में रिस्की है। आई थिंक कि वो उन्होंने भी ओडीआई में करा नहीं, बट ऐसा भी नहीं है ना, ओडीआई छोड़ दो, उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट टी20 में भी कुछ नहीं किया। अगर केएल आते हैं या अय्यर आते हैं तो ठीक है भाई, अगर अब जो मैच फिटनेस की बात करते हैं वो मैच खेल के ही होगा। अब ये आप पड़ गए परेशानी में, आप पहले ये सोच रहे थे कि जी ये दोनों प्लेयर जो है वो हो सकता है आयरलैंड सीरीज से पहले फिट हो जाए, वहां पर इन दोनों को खिला के देख लेंगे। लेकिन आप गले पड़ गए, आप तो सीधे आके कि यार ये फिट ही एशिया कप तक हो रहे हैं और वहां पर आपका पहला मैच ही पाकिस्तान के अगेंस्ट है, तो इसमें आप कोई कुछ नहीं कर सकते। है ना, और दूसरा और ये बात भी नहीं है कि जी अगर अय्यर और केएल आएंगे तो परफॉर्मेंस ही नहीं आएगी। एटलीस्ट अय्यर और केएल से आप भरोसा एसोसिएट कर सकते हैं। वही है ना, केएल के पास वो एक्सपीरियंस है, नहीं मिल रहा श्रेयस के पास कम से कम चार नंबर पे खेलने का वो बहुत एक्सपीरियंस है, जहां पर उन्होंने रन बनाए हुए, तो थोड़ा सा वो कॉन्फिडेंस देते हैं आपको। सूर्य कुमार यादव तो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे इस समय पर, नंबर चार, और कोई प्लेयर है भी नहीं इस समय पर जो आपको वो एश्योरेंस दे रहा है, तो आपको रिस्क। अगर हो गई, हमने प्रोबेबल 11 बनाई थी इंडिया की एशिया कप के लिए, एक बार वो दिखा दीजिए जो लेटेस्ट बनाई थी, केएल राहुल के साथ जो बनाई थी, ठीक है ना। अब उसमें क्या होगा कि चार पे श्रेयस आ जाएंगे, पांच पे केएल आ जाएंगे, तो आपको प्रोबेबल 11 भी दिखा देते हैं। अगर दोनों अवेलेबल होंगे, श्रेयस अय्यर भी और केएल राहुल भी, उसमें क्या होगा, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, शार्दुल ठाकुर, बुमराह एंड सिराज। शार्दुल की जगह पे शमी को खिलाना तो ये कॉल है उनकी, रोहित शर्मा की, है ना। वरना 11 यही हो जाएगी आपकी, डन हो जाएगी ये वाली प्रोबेबल 11 रॉबिन बना के आप दिखा दीजिए। आप श्रेयस अय्यर को डाल दीजिएगा चार नंबर पे, केएल राहुल को डाल दीजिएगा पांच नंबर पे, इसमें ईशान किशन भी बाहर हो जाएंगे और सूर्य कुमार यादव भी बाहर हो जाएंगे। क्या आप अग्री? यार देखो, वैसे तो ऑन पेपर ये बेस्ट टीम है इंडिया की जो आप खिला सकते हो ओडीआई में अभी के हिसाब से, और मैं शार्दुल के साथ ही जाऊंगा शमी भाई के ऊपर। शार्दुल मैन विद द गोल्डन आर्म, थोड़ी सी बैटिंग भी दे देगा आपको, मगर ये बहुत बहुत बड़ा रिस्क है कि इन दोनों ने एक मैच खेला नहीं है इंटरनेशनल और ये सीधा इंडिया पाकिस्तान के लिए उतरेंगे अगेंस्ट एशिया कप के अंदर। ये बहुत बड़ा रिस्क है। अब आपको अगर बता रहा हूं मैं आपको, वो साइड खिलानी है जिसके ऊपर भरोसा हो। एटलीस्ट देखो, अगर हम नेशन वाइज बात करते हैं ना, तो वो अगर केएल और वहां पे श्रेयस होंगे तो भरोसा आएगा। अगर उसमें सूर्य रहे या उसमें ईशान किशन रहे, तो हम सब किसी को ही भरोसा नहीं है ना भाई। कोई इंडिया के साथ बात मान ले, अब ये तो अब अनलकी कह सकते हो, बदनसीबी कह सकते हो, उधर खाई। अगर आप इधर भी जाओगे तो भी आपको प्रॉब्लम है, उधर भी जाते हो तो भी प्रॉब्लम। पहले खबर यही थी ना कि केएल राहुल जो है वो आयरलैंड दौरे पर चले गए, तो अगर आप देखो परफॉर्मेंस, वो फिट ही तब तक हो पा रहे, तो इसमें अब परफॉर्मेंस के बेसिस पे तिलक वर्मा का बनता है नंबर चार खेलना, लेकिन तिलक वर्मा एक भी वनडे मैच उन्होंने भी नहीं खेला, तो आप उन्हें भी नहीं लेकर जा सकते हो। वो जो आपने बात कही ना, रिस्क तिलक वर्मा के साथ, हर किसी ईशान के साथ, सूर्या के साथ, सबके साथ ही है। लेकिन इधर अगर आप देखें ना, श्रेयस और केएल, अच्छा बाय द वे इनका बैटिंग ऑर्डर भी देखें, एक चार पे एक पांच पे अगर कुछ होता है वही तो बीच में वहीं पे एक साथ दोनों, वही है ना टॉप ऑर्डर। प्रॉब्लम ही वही है कि आपका पूरा मिडिल ऑर्डर डिपेंड करता है फिर या तो श्रेयस अय्यर केएल राहुल पे या फिर सूर्य कुमार यादव एंड ईशान किशन पे, है ना। तो अब इसमें जो हमने लिखा था, देखो आपने तीन पे कर दिया केएल राहुल और उसको ये कौन सा दिखा दिया, हार्दिक पांड्या कप्तान कहां से आ गया, सूर्या को निकाल दो आप, कहां से आ गया आप, इसमें से सूर्य कुमार यादव निकालो, हार्दिक पांड्या कप्तान नहीं है भाई, रोहित शर्मा कप्तान है, क्या कर रहे हो, दंगे करवाओगे क्या। तो केएल राहुल को रखो आप पांच पे, श्रेयस अय्यर को रखो आप चार पे, ठीक है ना, चार पे रखो श्रेयस अय्यर को, पांच पे रखो केएल राहुल को, हार्दिक को रखो छह पे, सात पे जडेजा, सूर्या को हटा दो और बाकी सेम। ये हो जाएगी आपकी प्रोबेबल 11, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, उसके बाद श्रेयस अय्यर, केएल राहुल नहीं, श्रेयस अय्यर चार पे, पांच पे केएल राहुल, ये चेंज कर दीजिए रॉबिन आप, उसके बाद दिखा दीजिए। ये बात तो डेफिनेटली है कि सुपर चैट भी आ गई, वो भी दिखा दीजिए, बिना मैच के पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलोगे आप, वो भी दोनों मिडिल ऑर्डर में, एक चार और एक पांच, बिल्कुल ऊपर से कुछ होता है और फिर सारा दारोमदार जो है इधर आ जाएगा, ये हो गया इंजरी के बाद सीधे आकर। अब ये ठीक है, ये आपकी प्रोबेबल 11 है, रोहित शर्मा कप्तान, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर स्लैश शमी आप कर सकते हैं, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह एंड मोहम्मद सिराज, ठीक है ना। तो ये आपकी 11 हो जाएगी अगर श्रेयस भी अवेलेबल है, केएल राहुल भी अवेलेबल है, बाकी ऊपर वाले पे है भाई कि ये दोनों किस तरीके से मैच खेलेंगे। सुपर चैट दिखा दीजिएगा, सुपर चैट आई है एक क्रिकेट हाइलाइट्स की, क्रिकेट हाइलाइट्स की सुपर चैट आई है और ये इंटरेस्टिंग रहेगा भाई। क्रिकेट हाइलाइट्स बोल रहे हैं, रोहित, गिल, कोहली, राहुल या तिलक,
तिलक वर्मा का मुश्किल हो जाएगा भाई अगर स्क्वाड में भी नहीं होंगे, अगर वो श्रेयस अय्यर को इन्होंने पिक कर लिया और इन्होंने केएल राहुल को पिक कर लिया। हार्दिक पांड्या, सूर्या, जड्डू, सूर्या भी रख लिया, जड्डू, शार्दुल, कुलदीप, बुमराह, सिराज, एंड प्लीज गिव मी शॉर्ट आउट। क्रिकेट हाइलाइट्स आपको शॉर्ट आउट दे दिया है। रोहित, गिल, कोहली, कोहली क्यों लिखा है भाई, कोहली है वो, राहुल या तिलक चार पे, ओके, हार्दिक और सूर्या दोनों। भाई अगर आप राहुल या तिलक लेंगे उसमें से राहुल ही लेना पड़ेगा ना, बाकी तो कीपर तो है नहीं आपके पास, तो ये तो स्लैश तो हो नहीं सकता, राहुल ही होगा, तिलक बाहर होगा। लेकिन फिर भी मैं इस लाइनअप से इतना अग्री नहीं करता। क्रिकेट हाइलाइट्स वापस आ जाइए। तो भैया ब्रेकिंग आपके लिए यही थी, आज का पूरा दिन और पिछले कुछ हफ्ते से देखा जा रहा है कि श्रेयस अय्यर की तस्वीरें भी आ रही हैं कि वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, केएल राहुल भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में ESPN क्रिकेट इन्फो ने जो आज करा है कि भैया श्रेयस अय्यर ने 38 ओवर बैटिंग करी, 50 ओवर फील्डिंग करी, फिटनेस में ठीक लग रहे हैं, कल केएल राहुल की भी फिटनेस देखी जाएगी। 21 अगस्त को हमने पहले भी बताया था आपको कि 21 अगस्त को आपको स्क्वाड यहां पर अनाउंस कर दिया जाएगा, और मोस्ट प्रोबेबली जो इसीलिए इतना वेट कर रहा है, जो स्क्वाड एशिया कप के लिए रहेगा वही स्क्वाड मोस्ट प्रोबेबली वर्ल्ड कप के लिए रहेगा। हो सकता है एशिया कप में ये देख लें अगर श्रेयस और केएल को इंक्लूड करते हैं, अगर तो अच्छा खेले तो कोई चेंज नहीं होगा, नहीं तो 5 सितंबर लास्ट डेट है ICC वर्ल्ड कप का स्क्वाड सबमिट करने की।